शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, कच्चे अनार का जूस पियो, चर्बी कम हो जाएगी। टमाटर का जूस जिगर की बीमारी का खात्मा करता है। गर्मी के मौसम में नीम के पत्तों को नीम गर्म पानी में पकाकर नहाने से जिस्म पर गर्मी के दाने नहीं निकलती। खीरे और तरबूज के बाद पानी पीने से हैजा हो जाने का खदशा होता है। आयरन की कमी हो जाए तो घर में गोभी और पालक की सब्ज़ी इस्तेमाल करें और पालक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। हमल की वजह से कमज़ोरी हो जाए तो गुड़ वाले पानी में छोटी इलायची शामिल करके पी लो, इससे हमल में कमज़ोरी नहीं होगी। दूध गर्म करें, इसमें थोड़ी सी सौंफ शामिल करें और इसे पी लें। कमर दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, कभी भी आपके कमर में दर्द नहीं होगा। अदरक वाली चाय बनाकर पीने से जिस्म की सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। बंद गोभी मोटापा कम करने में मुफीद है। लींबू का रस चेहरे पर मसलने से चेहरे का रंग गोरा हो जाता है। मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना दांतों को जल्दी ख़राब कर देता है। पेट की बढ़ती हुई चर्बी हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देती है। बादाम का इस्तेमाल रोज़ाना करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो जाता है। दिन भर की थकान दूर करनी है तो गर्म पानी में छोटी इलायची डालकर पी लो, थकान ख़त्म हो जाएगी। कच्चे अंडे की जर्दी सर पर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। जो लोग वॉशरूम में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर इनको भूलने की बीमारी लग जाती है। जो बंदा खीरा ज़्यादा खाता है, इसको कभी भी सांस की बीमारी नहीं होती। फालसे का रस पीने से मैदा ठंडा रहता है। नहार मुँह फालसे खाने से मैदे की तजाबियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। अगर किसी कपड़े पर घी वगैरह का दाग पड़ जाए तो इस हिस्से पर नींबू और नमक लगाकर धो लें, दाग उतर जाएगा। नाजरीन, अगर दांत टेढ़े हो तो रोज़ दांतों पर मसवाक किया करो, दांत सीधे हो जाएंगे। अगर दिमागी टेंशन का मसला हो तो पानी ज़्यादा पिए, इससे दिमाग की टेंशन ख़त्म हो जाती है। मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो इलायची के दाने चबा लिया करो। गर्मियों में दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए चुटकी भर मीठा सोडा शामिल कर दिया करें, दूध ख़राब नहीं होगा। बकरी का दूध पीने से काम करते वक्त थकन महसूस नहीं होती। जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो बड़े गोश्त की जखनी बनाकर पिया करें, इससे दूध बढ़ जाता है। प्याज काटकर अगले दिन के लिए इस्तेमाल के लिए मात रखें, वरना पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। पुदीने के पत्तों को अपनी जिल्द पर रगड़ने से जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। बेर खाने से पेट की बीमारियाँ दूर होती हैं। लींबू पानी पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है। अगर किसी इंसान ने बहुत जल्दी वज़न बढ़ाना है तो आलू उबाल कर खाएँ। कद बढ़ना रुक जाए तो सुबह सवेरे नहार मुँह लटकने से कद बढ़ने लगता है। तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ मददगार साबित होता है। अगर हाथों पर मैल जम जाए तो केले के छिलके कुछ देर मसलें, मैल दूर हो जाती है। लींबू का रस हर रात को अपने चेहरे पर लगाकर सोने से चेहरा सफ़ेद हो जाता है। साफ और नरम रुई दूध में भिगोकर आँखों पर मसल दो, आँखों को आराम आ जाएगा। एक हफ्ता कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। नाज़रीन, खाने को अच्छे तरीके से चबाकर ना खाया जाए और तेज़ी से निगला जाए तो पेट फूलने का बायस बनता है। कच्चे दूध को सांवले रंग और ख़राब जिल्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाक पर हाथ फेरने से नाक के सूंघने की सलाहियत कम हो जाती है। केला किन बीमारियों के लिए बेहतरीन होता है? मसाने की कमज़ोरी के लिए, गले में खराश के लिए, ज़बान पर छाले हों तो, पुशीदा अमराज कलम में बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आपको वहम की बीमारी है तो सब्ज़ियाँ खाया करें, लंबा सजदा किया करें। मोटे लोग दही में दालचीनी मिलाकर खाएं, वज़न और पेट कम हो जाता है। रोज़ाना खीरा खाने से चेहरे पर रौनक आ जाती है। अगर आपको टांगों में दर्द या लकोरिया हो जाता है तो आप रोज़ाना सुबह 10 बादाम खा लेते हैं तो आपको इन दोनों तकलीफ से निजात मिल जाती है। जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है तो समझ जाओ, वहाँ बहुत जल्द रिज़क की फरावानी होगी और कभी रिज़क की तंगी नहीं होगी। ज़िंदगी भर दिल की बीमारी से बचना है तो खाने में प्याज काट कर खाओ, इससे दिल की धड़कन कंट्रोल में रहेगी। ठंडी रोटी खाना जिगर को मजबूत करती है। गर्म रोटी खाने से मैदा ख़राब हो जाता है। जो लोग रोज़ाना कम से कम 12 मिनट वॉक कर लेते हैं, इनको कोई बीमारी नहीं घेर सकती। आंखों में चमक पैदा करनी है तो रात को सोते वक्त काली किशमिश खाया करें। सुबह देर से उठने से दिमाग की कमज़ोरी हो जाती है। दही ज़्यादा खट्टी हो तो इसमें ताज़ा दूध शामिल कर दो, दही मीठा हो जाएगा।
जो लोग रोजाना चेरी खा लेते हैं इनकी हड्डियां और जोड़ों के दर्द में आराम आ जाता है। अंगूर खाने से दिमाग तेज हो जाता है। अगर आपके टांगों में दर्द रहता हो तो इसकी वजह पानी की कमी भी हो सकती है। दिमाग की गर्मी हो तो तरबूज खाया करो। सफ़ेद आटा खाने से मैदे की बीमारियां हो जाती हैं। नाजरीन, जो लोग ज़िंदगी भर जवान रहना चाहते हैं वो ठंडी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। जिन लोगों को गुर्दों का मसला है वो कभी भी केले का इस्तेमाल ना करें। मुंह से पानी आता है तो जामुन इस्तेमाल करें क्योंकि जामुन खुशक होता है। नहार मुँह दही खाओ, पेट की गैस दूर हो जाएगी। चॉकलेट खाने से गले की खराश खत्म करने में मदद मिलती है। जब भी आपके गले में खराश हो या गले में दर्द हो तो आप चॉकलेट का इस्तेमाल लाजमी करें। बदन में सुस्ती पैदा होने लगे तो सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए, इससे बदन की सुस्ती खत्म हो जाती है। आम को ठंडा किए बगैर खाओ, इससे जिस्म का दर्द दूर होगा। नहार मुँह आम खाने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। आम दही के साथ खाने से कब्ज़ फौरी खुल जाएगी। पानी कम पीने से होंठ काले और रूखे हो जाते हैं। अगर आप अपने होंठों को गुलाबी रखना चाहते हैं तो दिन में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। मसवाक करो, इससे मैदे की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर गर्म मौसम में अंडे खाने से सेहत को नुकसान पहुंचेगा तो इसकी कोई साइंसी सबूत नहीं है। आप गर्म मौसम में भी अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में प्रोटीन से भरपूर अंडे खाओ, जिस्मानी तवानाई को ताकत में इजाफा होगा। खीरा खाया करो, ज़िंदगी भर सांस की बीमारी नहीं होगी। अगर बदहजमी का मसला हो जाए तो दूध का इस्तेमाल ना करो, वरना बदहजमी मज़ीद बढ़ जाएगी। नाजरीन, चावल ज़्यादा खाने से जिगर खून बनाना छोड़ देता है। जिनको बवासीर का मसला है तो वो मिर्च मसाले इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। ज़्यादा मिर्च मसाले इस्तेमाल करने से आपकी उम्र कम हो जाती है। उल्टी रोकने के लिए सौंफ के पानी से कुलियाँ करें। आम खाकर ऊपर से पानी पीना ऐसे है जैसे कि जहर खाना, लिहाजा इनके ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए बल्कि दूध की लस्सी का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी पीकर फौरन सोने से दिमाग को नुकसान पहुंचता है। हल्दी में दूध शामिल करके पीने से जिस्म की थकावट दूर हो जाती है और चेहरे की रंगत निखर आती है और जिस्म की गर्मी को दूर करने के लिए मुफीद है। गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लो, मोटापे को कम करने में मददगार साबित होगा। जिस्म से जरासीम ख़त्म होंगे। 5 चीज़ें आपको परेशान या बीमार कर सकती हैं। दीन से दूरी इख्तियार करना, ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा लोगों से मेलजोल रखना। खारिश वाली जगह पर प्याज का रस मसलने से खारिश दूर हो जाती है। खाना खाने के बाद कलवंजी मिला पानी पिया जाए तो मोटापा ख़त्म हो जाएगा। अगर कहीं से जिस्म जल जाए तो हरा धनिया पीसकर जले हुए हिस्से पर अच्छी तरह से लेप करें तो छाले नहीं पड़ेंगे और जलन भी महसूस नहीं होगी। 4 चीज़ों से रिजक की फरवानी रुक जाती हैं। सुबह फजर से तुलू आफ्ताब तक सोना, नमाज ना पढ़ना, सुस्ती करना, अल्लाह का शुक्र अदा ना करना। नाफ में तेल लगाना जिस्म की सुस्ती, काहली और ढीलेपन को दूर करता है। गर्दन के तेल से मालिश करने से रीढ़ की हड्डी को ताकत मिलती है। पुदीने की चटनी बनाकर खाते रहने से बदलते मौसम का बुरा असर नहीं होता। नाजरीन, चेहरे के दाग धब्बे और दाने ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक काम करें। सुबह सुबह निहार मुँह जैसे ही उठे तो सबसे पहले अपना बासी थूक जाने के कुल्ली किए बगैर अपना लाभ जहाँ जहाँ दाने हैं वहाँ पर लगा दें। 3 से 4 दिनों में इंशाल्लाह दाने बिल्कुल साफ हो जाएंगे। एक दफ़ा ज़रूर आजमा कर देखें, बिल्कुल दाने ख़त्म हो जाएंगे और चेहरे को जवान रखने के लिए हल्दी का इस्तेमाल भी बेहतरीन है। हल्दी को दूध में डालकर इस्तेमाल करें, आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। कान का दर्द का मसला हो या कम सुनाई देने का मसला हो तो गुलाब का अर्क को कान में डालें, कान का मसला ठीक हो जाएगा। अगर आप खाने के ऊपर से पानी पियोगे तो मैदा काम करना छोड़ जाता है। रात सोते वक्त दूध पीकर फौरी सो जाने से पेट की बीमारी लग सकती है। सौंफ को चबाते रहा करो, आपके दांत टेढ़े नहीं होंगे। खाने से कबल कोई एक फल खा लेने से ज़िंदगी भर कोई कमज़ोरी नहीं होती। सुबह के वक्त एक टमाटर खा लिया करो, ज़िंदगी भर बाल सफ़ेद नहीं होंगे। अगर आपके बाल गिरते हैं तो एलोवेरा का तेल इस्तेमाल करें। उबले हुए पानी के साथ दवा लेने से दवा जल्दी असर करेगी। सब्ज़ी का सालन ज़्यादा खाया करो, बदन की खूबसूरती में इजाफा होता है। जो लोग खाने के बाद पानी नहीं पीते इनकी जवानी तादेर कायम रहती है। गंदे बालों में तेल मत लगाया करें, इससे आपके बाल गिरने लग जाएंगे। पानी ज़्यादा पिया करो, इससे जहानत में इजाफा होगा। ये गुस्से को ठंडा करता है और खाने को हजम करता है।
रोज़ाना जल्दी उठना जिस्म को चुस्त और सेहतमंद बनाता है। अगर सुनाई देने में मसला है तो जैतून के तेल का एक कतरा नीम गर्म करके कान में डाल दो। जैतून के तेल से आंखों का मसाज करने से भी नज़र तेज़ हो जाती है। अगर खाना बनाते वक्त ऑयल की जगह सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाए तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। शुगर के लिए पानी हमेशा मिट्टी के कटोरे में पिए और बेसन की रोटी खाएं, चक्की का आटा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी। शुगर की बीमारी जड़ से ख़त्म करनी है तो काली मिर्च साबुत 100 दाने, सब्ज़ इलायची के 100 दाने, नीम के पत्ते 100 दर, बादाम कड़वे ना हो 100 गिरियां, काले चने भुने हुए 1 पाव ले लें, नीम के पत्ते धोकर खुशक कर लें यानी कि सुखा लें। इन तमाम चीज़ों का सफूफ बना लें। दिन में किसी भी वक्त आधा चम्मच इस्तेमाल करें, आपको शुगर की बीमारी से शिफा मिलेगी। अल्लाह ने चाहा तो शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नहार में दही रोज़ाना खाओ, आपका मैदा हमेशा सही काम करेगा और पेट की तजाबियत दूर हो जाएगी। मोटे होना चाहते हैं तो रात को रोटी भिगोकर रख दो और सुबह खा जाओ। सिगरेट के धुएं में ऐसे जरासीम होते हैं जो कैंसर का बायस बनते हैं। खांसी का लगना बड़ा मसला सिगरेट से होता है, इसलिए सिगरेट इस्तेमाल करना तुरंत कर दें। गोश्त का बचा हुआ शोरबा पीने से ज़ुकाम फौरी ठीक हो जाता है। अगर दूध में लींबू के कतरे डालकर सुबह शाम चेहरे पर लगाए जाएं तो चेहरा निखर आएगा, चेहरे से दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, रंगत भी साफ हो जाएगी। ऊँट का गोश्त खा लो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। चेहरे को लस्सी से धोने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं, रंग निखरने लग जाता है। सुबह नहार में केला खाने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। बालों को तेल लगाने से पहले कंघी करें, बाद में नहीं। चने की दाल के पानी से 1 हफ्ता तक मुंह धोएं, चेहरे की सांवली रंगत दूध जैसी सफ़ेद हो जाएगी, चेहरे से चिकनाई ख़त्म होगी और दाने भी ख़त्म हो जाएंगी। सुबह नाश्ते के बाद 1 इलायची चख लिया करो, बूढ़े लोगों की तरह सांस नहीं फूलेगा। रोज़ाना 1 सेब खाने से बदन की जिल्द लटकेगी नहीं, हमेशा जवान रहेगी। आम का अचार ख़राब होने लगे तो इसमें नमक डाल दें, आम का अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा और लंबे अरसे तक चलेगा। चावलों का पानी उबालकर पीने से कब्ज़ दूर हो जाती है। गन्ने का रस पीने से पथरी रेजा रेजा होकर निकल जाती है। डिलीवरी के बाद होने वाली कमजोरियों में मेथी दाने का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। लहसुन की चटनी और बेसन की रोटी नज़ला ज़ुकाम में खाएं तो आराम आ जाता है। अजवाइन को गुड़ में मिलाकर इस्तेमाल करने से तजाबियत की शिकायत दूर हो जाती है। सुबह उठकर नहाने वाले बंदे को कभी भी खारिश की बीमारी नहीं होती। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।